Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video on export marketing important question bank. So here are some of the questions important from export marketing subject which students take as applied component. तो जिन लोगों ने भी export marketing का subject applied component में लिया है उनके लिए ये जो video है काफ़ी helpful होने वाला है, so that you can get more marks in the examination by studying these questions. So usually question bank मैंने module wise आपको दिए थे हर subjects के related, तो export marketing का भी मैं आपको module wise ही दे रहा हूँ. So module number 1 से आपको पढ़ना है explain the importance of export promotion organizations, different organizations है उसके बारे में एक overview लेके रखे, so that आपके लिए ये question important बन जाता है. Explain the different types of export marketing organization, different types of export marketing organizations भी important है आपके लिए. Then the question becomes write short note on deemed exports, तो deemed exports भी आपको पढ़ना है. फिर overview of STPS, EHTP और special economic zones के बारे में भी आपको एक overview लेके रखना है, उसमें से objectives भी पूछे जा सकते हैं. Then the module number 2, we have to study procedure of obtaining export finance. फिर रोल ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक एंड सिडबी के बारे में पढ़ना है. देन रोल ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ECGC के बारे में पढ़ना है. देन रिस्क इन दी एक्सपोर्ट मार्केटिंग. सो मॉड्यूल नंबर 2 में से इतने क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, बिकॉज ये ओवरऑल इसी के ऊपर क्वेश्चंस यूजुअली पेपर में पूछे गए हैं. देन द मॉड्यूल नंबर 3 इज रजिस्ट्रेशन विद डिफरेंट अथॉरिटीज. रजिस्ट्रेशन जो करना पड़ता है सारे डिटेल्स आप इसमें रिलेटेड पढ़ लेना. फिर रोल ऑफ कस्टम हाउस एजेंट्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. देन द प्री शिपमेंट प्रोसीजर, जो प्री शिपमेंट का प्रोसीजर दिया है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देन मॉड्यूल नंबर 4 मेन डॉक्यूमेंट्स यूज इन एक्सपोर्ट ट्रेड. वी हैव टू स्टडी द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स विच आर यूज इन द एक्सपोर्ट ट्रेड. देन वी हैव टू स्टडी द बिल ऑफ लैडिंग, मेड्स रिसिप्ट और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो बिल ऑफ लैडिंग और मेड्स रिसिप्ट थोड़ा कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट बन जाता है. देन डिफरेंट एक्सपोर्ट इंसेंटिवस एंड स्कीम्स एक्सटेंडेड टू इंडिया. तो एक्सपोर्ट इंसेंटिवस एंड स्कीम्स एक्सटेंडेड टू इंडिया. द नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू हैव टू स्टडी इज ड्यूटी ड्रॉबैक. द नेक्स्ट इज EPCG स्कीम. तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर सब्जेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग. पहले आप इतने सारे क्वेश्चंस पढ़े, देन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को भी इससे मैच करके देखें कि यही क्वेश्चंस इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, सो दैट उनको भी इससे रिलेटेड बेनिफिट मिल पाए. बाय बाय, टिल देन वर्क हार्डर बी स्मार्टर.